नमस्कार दोस्तों, मैं द्युति मिश्रा आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये हिंदी प्लेलिस्ट की मेरी सबसे पहली वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है आदमी और चूहा। एक बार की बात है, एक आदमी था और वह अपने छोटे से घर में अकेला रहता था। वह रोज़ काम पर जाता था और बहुत थोड़ा सा पैसा कमाता था। हर रोज़ की ही तरह एक दिन वो अपने कार्यालय से वापस अपने घर आया और फिर अपने लिए दो रोटियां बनाकर नहाने चला गया। पर उस दिन जब वह आदमी नहाकर आया तो उसकी थाली में दो रोटी के बजाय सिर्फ एक रोटी थी। उसने सोचा कि यह किसकी शरारत हो सकती है, और फिर यह सोचने के बाद उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान न दिया और एक ही रोटी खाकर सो गया। अगले दिन वह अपने कार्यालय से वापस घर लौटा तो फिर से दो रोटियां बनाई और नहाने चला गया, और जब नहाकर आया तो वहां फिर से दो के बजाय एक ही रोटी बची थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। यह चीज़ ऐसे ही 10 से 15 दिनों तक चलती रही, मगर एक दिन उसने सोचा कि आखिर आज मैं इस चोर को पकड़ ही लेता हूँ। उसने यह देखा कि एक चूहा आया और वहाँ से एक रोटी ले गया। अगले दिन उसने उस चूहे को भी पकड़ लिया और उससे पूछा, दोस्त तुम हर रोज़ मेरी एक रोटी क्यों चुरा के ले जाते हो? मैंने इसे अपनी मेहनत के पैसे से बनाया है। देखो तुम अपना काम करते हो और मैं अपना काम करता हूँ, चूहा बोला। यह बात उस आदमी के मन में एक चिंता खड़ी कर जाती है। वह सोचता है कि बात तो बिल्कुल सही ही है, मैं अपना काम करता हूँ और वो चूहा अपना काम करता है। कुछ दिन बाद वह आदमी अपने कार्यालय में एक दूसरे आदमी से इस बारे में बात करता है। उसका दोस्त कहता है, भाई एक काम करो, तुम्हारे इस छोटे प्रश्न का उत्तर मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसा सिर्फ कोई एक ही है जिसे इसका उत्तर पता हो, और वो हैं बुद्ध भगवान। तुम यह प्रश्न उन्हीं से ही पूछ लो, परंतु उनसे मिलने के बाद तुम उनसे सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछ सकते हो। वैसे तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही प्रश्न है। अगले ही दिन वो आदमी बुद्ध भगवान से मिलने निकल जाता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है और वह उस आदमी की रात के खाने के लिए थोड़ा सा खाना मांग लेता है। दूसरा आदमी उस पहले वाले आदमी से पूछता है कि ये तो बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो? फिर आदमी ने उस बुद्ध भगवान के बारे में उसे बुद्ध भगवान के बारे में बताया। दूसरा आदमी बोलता है, सुनो क्या तुम बुद्ध भगवान से मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ सकते हो? मेरा प्रश्न है कि मेरी बेटी की शादी आखिर कब होगी? उस आदमी ने दूसरे वाले आदमी को मना नहीं किया। कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी सी चट्टान आती है। वह आदमी सोचता ही है कि आखिर इसे कैसे पार किया जा सकता है। वहाँ उसे एक तपस्वी मिलते हैं। आदमी तपस्वी से बोलता है, बाबा क्या आपको पता है कि इस चट्टान को आखिर कैसे पार किया जाए? बाबा बोले, बेटा मैं तुम्हें अपनी जादू की छड़ी से इसके पार कर दूंगा, मगर तुम जा कहाँ रहे हो? आदमी उसे बुद्ध भगवान के बारे में सब कुछ बताता है। बाबा बोलते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ लेना, उनसे पूछना कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी, मैं तो यहाँ सैकड़ों सालों से रह रहा हूँ। अब वो आदमी तय कर लेता है कि बुद्ध भगवान से बाबा का भी प्रश्न पूछ लेगा। आगे जाने के बाद उसे एक नदी मिली। उसने सोचा कि इस नदी को कैसे पार करूँ, तभी उसे एक मादा कछुआ मिली। कछुए ने कहा, क्या हुआ है भैया जी, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? आदमी ने बोला, मुझे नदी के उस पार जाना है, मैं आपको उस पार ले जा सकती हूँ?
बस आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मादा कछुए ने बोला और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं भैया जी। आदमी ने उसे बुद्ध भगवान के बारे में सब कुछ बताया। मादा कछुआ बोली, मेरा भी एक सवाल है, बुद्ध भगवान से पूछ लीजिएगा। मेरा प्रश्न है कि मैं कब शक्तिशाली हो जाऊंगी। आदमी इसे भी मना न कर पाया। एक समस्या हो गई थी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परंतु आदमी के पास 4 सवाल हैं बुद्ध भगवान से पूछने के लिए। अब वह चिंतित हो गया और यह तय करता है कि उसकी समस्या तो काफ़ी छोटी सी है, इसलिए वह अपना प्रश्न पूछेगा ही नहीं। अब आदमी भगवान के एक एक करके सारे प्रश्न पूछ लेता है। बुद्ध भगवान भी सारे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दे देते हैं। बुद्ध भगवान प्रश्न एक का उत्तर यह देते हैं, उस आदमी को पूर्णिमा के दिन जो भी लड़का मिलेगा कह देना कि वह अपनी बेटी की शादी उसी के साथ कर दें। उत्तर दो, बाबा जब अपनी शक्तिशाली और जादुई छड़ी छोड़ेंगे तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। और बुद्ध भगवान प्रश्न 3 का उत्तर यह देते हैं, जब वह मादा कछुआ अपनी पीठ छोड़ देगी तब वह शक्तिशाली बन जाएगी। आदमी 3 का उत्तर लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे मादा कछुआ मिली और वह आदमी से उसके प्रश्न के उत्तर के बारे में पूछती है। आदमी उसे उसके प्रश्न का उत्तर दे देता है। जब मादा कछुआ अपनी पीठ छोड़ देती है तो उसमें से काफ़ी सारा सोना निकलता है। मादा को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वह उसे उस आदमी को ही दे देती है। आगे बढ़ने के बाद आदमी को बाबा मिलते हैं। वह बाबा को उनके प्रश्न का उत्तर दे देता है और बाबा भी अपनी छड़ी छोड़ देते हैं। बाबा बोले, बेटा मुझे तो अब ये जादुई छड़ी और शक्तिशाली छड़ी छोड़नी पड़ी है, लेकिन मैं इसे फेंकना नहीं चाहता। तुमने मेरे लिए काफ़ी बड़ा काम किया है और इसीलिए अब मैं ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहने के बाद बाबा ने स्वयं अपनी छड़ी उस आदमी को दे दिया। आदमी खुशी से अपने घर लौट रहा था। जाते वक्त उस आदमी का घर मिला जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। उस आदमी से मिलने के बाद वह बोला, बुद्ध भगवान ने बताया है कि आपकी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कराइएगा जो आपको पूर्णिमा के दिन मिले। उस लड़की के पिता खुशी से झूम उठे, क्योंकि वह पूर्णिमा का दिन था और उन्हें वह आदमी मिल चुका था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी के साथ करा दी। अब उसी आदमी के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसे अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं। उसके पास धन था, उसने अपने नाम का एक सुंदर आलीशान घर भी बनवा लिया और चूहा भी उसी के साथ मज़े से उसी बंगले में रहने लगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दूसरों का भला करने से आपका खुद का ही भला होता है। अगर आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने में काफ़ी दिलचस्पी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियों की नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पर जल्द से जल्द मिल सके। बाय बाय, धन्यवाद। मैं आपको अब अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ।